के प्रभु अंधेरा है, जग तक प्रभु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है जिसने फल ही उत्पन्न न हो, ऐसा जलधर क्या जलधर है जिसने जल ही संपन्न न हो। पर फूलते हो जाए, चित पर फूलते हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। इच्छा है एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े, अपना जिससे रघुवंश बढ़े, अपना पुत्रों को भीतर पर पहुंचे, आगे का वंश चले अपना। राजन कैसे कही आप ठीक ठाक कर रहे हैं, इसीलिए तो चिंता है बड़ी चिता से भी नरको निर्जीरा बनाती है, चिता जलाती है, जीते को चिंता। सुने राजन, जो जाए पुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है, वो शमशान बनाता है। राजन यथ है यह विचार, कब बेटा बन यज्ञ संविधान करो पुत्र, आओ बेचार पुत्र राजन भगवान। सभी महान भावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि ने क्या देखा ना। तो पुत्र के तो पीछे घर श्रृंगी मुनि को बुलाना है, श्रृंगी मुनि को बुलाना है, वो ब्राह्मण किनारे होते हैं उनको राजन। अगर तुम्हें पुत्र की इच्छा है तो पुत्र शुरू कीजिए, और उसके जो संचालक विशेषज्ञ है आपको विशेषज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बनाना है। ठीक है बेटे, हे महामंत्री जी। हाँ महाराज, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं उसी तरह से उनके आज्ञा का पालन कीजिए, और श्रृंगी ऋषि को
पेश किया जाए जो क्या मार यश्च यज्ञ हम विधि विधान से ही करवाएंगे लेकिन इस सारा सामान का व्यवस्था जल्दी से करो ठीक है भाई भाई मुनिवर हवन सामग्री मंगवाइए आ रहा है मुनिवर गुरुदेव हवन सामग्री में ले आया हूँ जलाइए मुनिवर जलाइए राजन हरिओम हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंभकर्णाय मंगलाय च नमः हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंभकर्णाय मंगलाय च नमः हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंभकर्णाय मंगलाय च नमः देवताय नमः स्वाहा सूर्य देवताय नमः स्वाहा अग्नि देवताय नमः स्वाहा चंद्र देवताय नमः स्वाहा मुनिवर हाँ मुनिवर कहिए मुनिवर इतना यज्ञ करवाए अग्नि देव थोड़े में प्रकट हो जाते थे वशिष्ठ बोला पुत्र काम सुब जग भगत सहित अग्नि
क्या बात है अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं हे मुनिवर इनके पूर्वज में रंगनाथ नाम थे इनके गुरुदेव उनका आवाहन नहीं हुआ इसलिए अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं रंगनाथ नाम का आहुति दिया जाए तभी अग्निदेव प्रकट होंगे रंगनाथ नमः स्वाहा रंगनाथ देवाय नमः स्वाहा रंगनाथ देवाय नमः स्वाहा रंगनाथ देवाय नमः स्वाहा रंगदेव हरियाणा मैं अग्निदेव आपके यज्ञ से प्रसन्न हुआ ए आप प्रसाद लीजिए और अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में खिला दीजिए आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी ध्यान दें अपने ये जो चरणों ने अग्निदेव ने दिया है इसे अपने रानियों में बराबर बराबर अरे तीन तो रानी हुई है भाई तीन रानियों में बराबर बराबर वितरण करके सभी को भोजन पवा देना ठीक है ठीक है मनोहर हाँ ठीक ठीक दृश्य है पावक सकल सभी समुझाए परमानंद मगन मुक हरस हृदय समान अब हमको राज दरबार में चलना चाहिए हाँ महाराज तब ही राय प्रिय नारी बलाए आइए महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए महाराज जी आज मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत पसंद नजर आ रही है बात क्या है ना हमें इसलिए मैं आप तीनों के लिए एक प्रसाद लेकर के आया हूँ और यह जो है प्रसाद आप तीनों रानी मिल बांट करके जो है ग्रहण कीजिएगा मन की अभिलाषा पूरी हो जाएगी जैसी आज्ञा हो ना
बहन हां बहन सुनी ना हां बहन सुनी हूं प्राण बात क्या है हां बहन कि इस फल को खाने से मन की अभिलाषा पूरी होगी सच कह रही बहन तो विधाता तो हर मन की बातें जानते हैं कि हम लोग को क्या कमी है हम पूरा करेंगे हां चलो इसको खाया जाए ठीक है बहन